हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं आशा करती हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। इस बारिश का टाइम चल रहा है तो आज मैं इस बारिश की प्रॉब्लम थी ना, उस रूम में बहुत ज़्यादा पानी टपक रहा है, इसलिए मैंने रूम शिफ्ट किया है। तो आपको ये वाला रूम मैंने रेंट पे लिया है, आपका पसंद आए तो बताना, पूरा दिखाऊंगी मैं आपको। पूरा वीडियो देखोगे जभी तो आपको पता लगेगा मेरा रूम वगैरह कैसा है। आपको पसंद आए तो ज़रूर बताना। देखो, पहले तो मैं स्टार्टिंग में आपको मेरा रूम बताती हूँ। ये मेरा रूम है पूरा, देखो। इसके अंदर एक पलंग है और चटाई हो, चटाई नाइट में मैं रात को बिछाती हूँ इसलिए रखती हूँ। और इसमें बच्चों के टॉयज वगैरह रख देती हूँ, इसमें कवर्ड, इसमें कपड़े वगैरह, और वहाँ पे बैग, ऊपर भी ढेर सारी जगह है तो वहाँ पे कूलर वगैरह, बैग वगैरह रख देती हूँ। रूम थोड़ा मुझे अच्छा है। पहले के रूम में तो आपको पता है कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, आपको पूरा दिखाया था मैंने, और अच्छा लगा था इसलिए सोची आपके पास भी शेयर करो इसे। ये खुला है, यहाँ पे सब लोग रहते हैं। इसके पीछे मंदिर है, मैं भी यहीं पे पूजा करती हूँ। देखो, आपको मंदिर के भी दर्शन कराती हूँ। ये मंदिर है पूरा, तो मैं शाम सुबह पूजा करती हूँ तो यहीं पर करती हूँ। और पूरा अच्छे से है, मुझे बहुत पसंद आया। देखते हैं आपको पसंद आए या ना आए। ये मकान मुझे देखते ही पसंद आ गया था इसलिए हमने ये मेरी किचन है। देखो, मैं खाना बना रही थी, पूरी वगैरह तल रही थी तो पहले आपको दिखाने लग गई बीच में। ये मेरी किचन है, इसमें थोड़ा सा सामान रखा हुआ है मेरे। इसमें ऊपर बॉक्स वगैरह रख दिए मैंने और नीचे कुछ बर्तन है, ज़्यादा नहीं रखती मैं। आपको पता है ज़्यादा बर्तन रखने में क्या, मैं 2-3 मेंबर हम पूरे रहते हैं, उसमें हम सूखा सामान वगैरह रख दी। इसमें आटा वगैरह है और यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह रख देती हूँ। आपको देखते हैं कैसे लगे मेरा ये वाला, मुझे बहुत अच्छा लगा, खेलने के लिए बहुत अच्छा है ये। ये खेलने का है तो यहाँ पे अच्छे से खेल लेते हैं हम। बहुत ज़्यादा जगह है, काफ़ी जगह है, इसमें बच्चे आराम से खेल लेते हैं। और ये ऊपर जाने के लिए है, बच्चों को बहुत अच्छा लगा था यहाँ पे आके। और यहाँ पे हम कपड़े आए तो दिक्कत नहीं रहती घर से भी। तो प्लीज आप पूरा देखना वीडियो को और बताना मुझे कैसा लगा आपको ये वाला। आप उसमें तो बहुत कमेंट कर रहे थे कैसा रूम लिया है, सस्ता लिया है, ऐसा लिया है। अब उस टाइम पे ऐसा ही रूम मिला था, आए थे तब, पर क्या करें, अब ढूंढने के बाद में हस्बैंड आए थे 2-3 दिन की छुट्टी लेके तो उन्होंने ढूंढा था। और एक भैया ने भी हमारी हेल्प की थी उन्होंने ढूंढने में, पर हम इतना जानते नहीं हैं माधवपुर सिटी के बारे में, पर उन्होंने हमारी हेल्प की तो 2 दिन के अंदर मिल गया था ये रूम। तो प्लीज़ आप बताना मुझे ये वाला कैसा लगा और मेरी पूरी वीडियो देखा करो, रिक्वेस्ट है ये आपसे मेरी। आप कमेंट करके बताओगे भाई इस वीडियो में ये कमी है, जब भी तुमको पता लगे हम उसमें वैसे ही सुधार करेंगे। तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो को देख के मुझे बताना कौन सी कमी है और मेरा रूम कैसा लगा, ये मकान रेंट वाला। और इसमें हम अच्छे से रहते हैं, बस कोई भी नहीं, आंटी जी रहती हैं, ये बहुत अच्छी है आंटी, उसका नेचर मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत प्यारी है। तो अभी वो है नहीं, दूध लेने के लिए गई थी इसलिए हम उसे नहीं मिला पाए थे। कभी मौका मिलेगा तो अगली वीडियो में ज़रूर मिला देंगे आंटी जी से भी। तो आप मुझे बताना, बाय, बताना मुझे कैसा लगा कमेंट में ज़रूर। थैंक यू, बाय।